Stamps.com. नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज फिर मैं आपका होस्ट आशीष चौधरी नवी मुंबई उर्वी न्यूज में आपके लिए लाया हूँ गणपति विसर्जन का वो दृश्य जो आप देख चुके हैं पहले। दोस्तों गणपति विसर्जन कितना डिफिकल्ट होता है होना, गणपति जब विसर्जित किए जाते हैं तो कितनी लाइनें लगती हैं, गणपति की इतनी ट्रैफिक होती है। दोस्तों ट्रैफिक तो होना ही है, ट्रैफिक क्योंकि गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, रोड्स छोटी हैं, रोड्स उतनी हैं और रोड्स पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इस तरह से दोस्तों हर चीज में यदि हम ट्रैफिक पुलिस और पुलिस को इल्जाम लगाएंगे तो वो भी गलत ही कहीं ना कहीं सिद्ध होते हैं। मैं यहाँ पे मैं ये एक चीज का कहना चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों ने हमें कई ईमेल भेजे थे गणपति विसर्जन के बाद और कहा कि गणपति विसर्जन बहुत अच्छा हुआ सर, और आप इस चीज को बताइए कि सर वी आर ग्रेटफुल टू द ट्रैफिक पुलिस। एक बड़े बड़े संस्थानों ने मुझे ईमेल भेजे, तो मैं आज आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर जाकर मिला डीसीपी लोखंडे साहब जो कि ट्रैफिक के चीफ इन कमांड है, जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल जो कि उनके हाथ में है, तो उनसे हमने बात की और उनको हमने धन्यवाद दिया हमारे व्यूअर्स की तरफ से और हमारी वो सारी जनता की तरफ से, नवी मुंबई की तरफ से, उल्वे की तरफ से। मैं लोखंडे साहब और उनकी टीम, साथ ही साथ हमारे कमिश्नर साहब और ज्वाइंट कमिश्नर साहब, आप सबको तहे दिल से धन्यवाद, और पुलिस के सारे कर्मचारी हैं उन सबको नवी मुंबई उल्वे न्यूज की तरफ से आशीष चौधरी और उसके दर्शकों का, उसके सब्सक्राइबरों का धन्यवाद। जय हिंद। तो चलिए मिलते हैं डीसीपी लोखंडे साहब से ट्रैफिक, और नवी मुंबई उल्वे न्यूज आज पहुंची है वाहतुक के डीसीपी, जी हाँ, जिनके अंडर में पूरा नवी मुंबई का वाहतुक नियंत्रण है। हम उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं कि पुलिस ने इतनी अच्छी तरीके से गणपति विसर्जन के दिन जो है वो ट्रैफिक का इंतज़ाम किया। सर इस ट्रैफिक के इंतज़ाम में क्या क्या आपको देखना था और क्या क्या आपने, क्योंकि इतना अच्छा इंतज़ाम हुआ कि सारे गणपति जो है वो बराबर लाइन में लगे थे, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, सिर्फ थोड़ा सा ये था कि कई जगह पे गणपति को तराफे से उतारने में या कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो सर उस बारे में कुछ बताएंगे सर? इस बार का जो गणपति विसर्जन का बंदोबस्त था तो नई मुंबई ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पूरा प्लानिंग था बंदोबस्त विसर्जन के लिए, और इसमें जो मेजर विसर्जन स्थल है वहाँ पर नो एंट्री या उधर डायवर्शन रूट भी रखे गए थे, जिसके वजह से काफ़ी उस एरिया की ट्रैफिक स्मूथ रही है। और इस दरमियान जो हेवी व्हीकल थे उन हेवी व्हीकल को भी मैनेज किया गया और उनको बाहरी सिटी के बाहरी रास्ते से डाइवर्ट कर जो कि विसर्जन में मेरोनुक निकलती है उस मेरोनुक में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए वह ट्रैफिक बाहर से डाइवर्ट की गई थी, जिसके वजह से जो ट्रैफिक का सिटी में का इंटरनल फ्लो है वह अच्छा रहा और विसर्जन में कोई दिक्कत नहीं आई है। सर जो 2019 में गणेश उत्सव आएंगे तो उसमें जो गणेश विसर्जन करने वाले लोग हैं या सार्वजनिक मंडल हैं और इंडिविजुअल गणपति जो होते हैं गणपति बप्पा, तो उनके विसर्जन में क्या सावधानी बरतनी चाहिए सर? इस बार जो देखा गया तो मैक्सिमम इमर्शन पॉइंट पे अच्छी तरह से विसर्जन का नियोजन था और अच्छी तरह से हुआ भी है, तो लेकिन कुछ इमर्शन पॉइंट जो थे वहाँ पर ये देखा गया है क्या तराफे के वजह से गणपति मूर्ति को विसर्जित करने में दिक्कत जा रही थी और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जा रहा था, उसके वजह से कुछ दो तीन जगह पे इमर्शन डिले हुआ है, तो जो कि 12 बजे तक आराम से हो जाता था लेकिन तराफे की दिक्कत के वजह से और उस पॉइंट पे जो क्रेन्स है जो मूर्ति उठाने वाली वो क्रेन बंद गिरने के वजह से दो तीन जगह पर इमर्शन में डिले हुआ है, और
मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी संबंधित एजेंसियाँ हैं वो कुछ क्रेन भी रिजर्व रखे, ताकि अगर कोई क्रेन बन पड़ती है तो इमर्शन की प्रोसेस बंद ना हो और समय पे इमर्शन हो। धन्यवाद सर, हम नवीमय उल्वे न्यूज़ आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता है और सारी ट्रैफिक पुलिस पुलिस का आभार प्रकट करता है, क्योंकि इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है सर। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे दर्शक जो हैं वो इसे देखकर संतुष्ट हुए होंगे।